नमस्कार, आप सबका फिनिक्स बेचारे में स्वागत है। आई होप जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। आज का हमारा जो ये वीडियो है इस पे हम बात करेंगे कंटेस्टेंट डिवोर्स के बारे में। वो डिवोर्स जहाँ पे कंटेस्टेंट हो जाता है, दोनों पार्टी एग्री नहीं होती है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल बटन है उसको प्रेस करिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी कोई मेरा नया वीडियो आ रहा हो। तो चलिए हम बात करते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में। ये वो डिवोर्स होते हैं जिसमें दोनों पार्टी एग्री नहीं होती है, एक पार्टी डिवोर्स मांगती है और दूसरा पार्टी डिवोर्स नहीं देना चाहती है। या हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत में बात कर रहे हैं। इसमें अंडर सेक्शन 13(1)(a) के तहत में हस्बैंड वाइफ दोनों डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और वाइफ या औरतों को कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड्स दिया जाता है, अगर वो उसके तहत में फाइल करना चाहती है तो अंडर सेक्शन 13(2) के तहत में वो फाइल कर सकती है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड्स उन्हें दिया गया है। डिवोर्स के ग्राउंड्स कौन कौन से होते हैं इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डाल देती हूँ, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और उसमें बहुत क्लियरली बताया गया कि कौन कौन से ग्राउंड्स आप ले सकते हैं डिवोर्स के लिए, जिसको आप इजीली प्रूव भी कर सकते हैं और केस को आपको जीतने में उसमें बहुत मदद मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कंटेस्टेंट डिवोर्स होता है, सबसे पहला चीज़ हमें जानना इसमें होता है कि इसको हम फाइल कहाँ पे कर सकते हैं, मतलब ज्यूरिडिक्शंस की बात आती है कि कौन से कोर्ट में हम इसे फाइल करें, किस डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में हम इसको फाइल करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि जहाँ पे मैरिज आपकी सोलमाइज्ड हुई हो आप उस जगह के कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ पे रिस्पॉन्डेंट का मतलब जो अपोजिट पार्टी है जो रह रहा हो, प्रेजेंटली जब आप डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करें उस वक्त वो जहाँ पे रह रहा हो उस जगह पे भी आपको फाइल करना होता है। या तीसरा उसमें आ जाते हैं कि वाइफ हस्बैंड या वाइफ दोनों लास्ट कहाँ पे रहे थे उस जगह पे भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे वाइफ को एक थोड़ा सा अलग सा भी ये मिला हुआ है कि जहाँ पे वाइफ अगर डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल कर रही है और वो जहाँ पे रह रही है वो वहाँ पे भी रह के फाइल कर सकती है, उसे जरूरी नहीं होगा कि जहाँ पे उनके हस्बैंड रह रहे हैं वहाँ जाके उसे फाइल करना होगा, वो जहाँ कहीं भी रह रही है उसके ज्यूरिडिक्शन में वो फाइल कर सकते हैं। इसमें और एक भी चीज़ है कि अगर अपोजिट पार्टी का वेयर अबाउट्स पता नहीं चल रहा है कि अपोजिट पार्टी कहाँ पे रह रहा है, ये दोनों ही केस में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही केस में हो सकता है। जब दूसरी पार्टी का वेयर अबाउट पता नहीं चल रहा है, आपको मालूम ही नहीं है वो कहाँ पे, उनका एड्रेस आपको नहीं मिल रहा है या फिर वो कहाँ है पता ही नहीं है आपको, तो आप जहाँ कहीं पे भी रह रहे हैं वहाँ के ज्यूरिडिक्शन में आप फाइल कर सकते हैं। तो ये तो ज्यूरिडिक्शन है। ज्यूरिडिक्शन का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है मैट्रिमोनियल केसेस में, क्योंकि ये ग्राउंड बन जाता है कभी कभी कि सही ज्यूरिडिक्शन में फाइल नहीं हुआ है और केस कभी कभी इससे बहुत लंबा हो जाता है। अगर दूसरी पार्टी ने आपकी ज्यूरिडिक्शन को चैलेंज कर दिया है तो फिर उसको प्रूव करना थोड़ा सा ये हो रहता है, तो हमेशा करेक्ट ज्यूरिडिक्शन में फाइल कीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं कि आपने सही ज्यूरिडिक्शन ले लिया, सब कुछ ले लिया, आपने पिटीशन बनाया, तो सबसे पहला डेट जो होता है जिसमें आप पिटीशन कोर्ट में सबमिट करते हैं, इस डेट में जो जज साहब जो होते हैं वो आपके एप्लीकेशन को वो एडमिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ दी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का एडमिशन होता है। इस वक्त जज भी देखते हैं कि सही ज्यूरिडिक्शन में फाइल किया गया है या नहीं फाइल किया है, जो ग्राउंड्स लिए गए हैं वो सही ग्राउंड्स लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, बहुत सारी कानूनी बात होती है इसमें जो जज देखते हैं, कोर्ट फीस सही दिया गया है ना, बहुत सारी बात होती है जो जज साहब देखते हैं, चेक करते हैं एप्लीकेशन में, उसके बाद उसको एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद में समन्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब दूसरी पार्टी को समन्स भेजने का ऑर्डर उसमें होता है। जो सेकेंड डेट होता है जिसमें समन्स जो अपोजिट पार्टी है उसको अगर मिलता है तो वो कोर्ट में आता है और प्रेजेंट होता है, और अगर चाहे तो वो अपना रिटर्न ऑब्जेक्शन वो देता है या फिर डेट लेना चाहता है तो वो डेट लेता है, ये सेकेंड डेट में होता है। तीसरा डेट जो पड़ता है, अगर अपोजिट पार्टी आ चुका है, समन्स रिसीव कर चुका आ चुका होता है, तब फिर जज साहब जो होते हैं एक डेट देते हैं इसमें रिकन्सिलेशन का, तो यूजली थर्ड डेट होता है जब दोनों पार्टी आ जाती है कोर्ट पर, तो रिकन्सिलेशन का एक प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जाता है इसमें, और इसको रिकन्सिलेशन के लिए भेजा जाता है, इस पर ट्राई किया जाता है कि दोनों पार्टी के बीच के जो भी मतभेद हैं वो सुलह हो सके और एक पेज पे वो दोनों पार्टी आ सके और ये डिवोर्स की एप्लीकेशन को वो ख़त्म कर सके, ये ट्राई किया जाता है कोर्ट की तरफ से। और इसके लिए कुछ डेट्स पड़ते हैं, दो तीन डेट्स भी पड़ते हैं, उससे ज़्यादा भी पड़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि दोनों पार्टी का क्या माहौल हो रहा है, वो उनका क्या मकसद हो रहा है। बहुत सारे केसेस में यह देखा जाता है कि रिकन्सिलेशन का प्रोसेस बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है और पार्टी मान जाती है और एप्लीकेशन वहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन
दुर्भाग्यपूर्ण बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि दोनों पार्टी बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है, तब कोर्ट आगे के लिए प्रोसीड होती है। तो अगर इन केस रिकन्सिलेशन फेल हो गया है, तब जो नेक्स्ट स्टेज जो पड़ती है वो रिटर्न ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए भी पड़ती है। रिटर्न ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है, उसके बाद में जो पिटिशनर होता है जिसने केस फाइल किया उसको रिज्वाइंडर फाइल करने का टाइम मिलता है, वो रिज्वाइंडर फाइल करते हैं। उसके बाद में इश्यूज कोर्ट डिसाइड करता है कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद में सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, बाई चांस अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया है या कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहता है कोई भी पार्टी, तो वो उस डेट में डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकता है। और सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद में केस का जो आ जाता है स्टेज, वो आता है एविडेंस का, जिसमें सबसे पहले जो पिटिशनर होता है जिसने केस फाइल किया है वो अपने केस के लिए जो भी एविडेंस है, जो भी गवाही है वो कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। गवाहियां होती हैं, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद में जो अपोजिट पार्टी होती है, जो रिस्पोंडेंट होता है, वो अपने गवाही जो होते हैं या अपना जो स्टेटमेंट होता है वो रिकॉर्ड करवाता है अपने केस के पक्ष में, जो भी उसके पास में एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या जो भी एविडेंस होंगे वो रिकॉर्डिंग करवाता है। और ये जब एविडेंस का जो प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाता है, उसके बाद में केस आर्गूमेंट के स्टेज में आ जाता है। इसमें दोनों ही पक्ष के जो वकील होते हैं वो अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, कोशिश करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, जिरह करते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने केस को प्रूफ किया है। और दोनों का जिरह को सुनने के बाद में कोर्ट एक ऑर्डर का डेट रखता है, और उस ऑर्डर की डेट में जज साहब दोनों ही एविडेंस और दोनों के ही जो आर्गूमेंट में हैं पार्टीज के, दोनों ही पार्टीज के आर्गूमेंट और एविडेंस, ये दोनों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं किसने अपने केस को प्रूफ किया पाया है और कानून के साथ में कैसे वो उन्होंने अपने केस को प्रूफ किया है। सारे तीनों चीज, चार पांच चीज़ों को देखा जाता है। और उसके बाद में अगर वो सेटिस्फाई होते हैं या अगर आपने सेटिस्फाई कर लिया है कोर्ट को, तो डिवोर्स ग्रांट हो जाता है। अगर जैसे आप सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं तो वो फिर डिवोर्स की एप्लीकेशन को खारिज कर देते हैं। तो व्यूवर्स, ये है प्रोसेस जिसमें जब कंटेस्टेड डिवोर्स होता है तो इसमें इस तरह का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरी जो ईमेल आईडी है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सवालों का जवाब मैं दे सकूँ। और घर पर रहिएगा, सेफ रहिएगा। थैंक यू।